रीवा सहडोल मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए स्थानीय लोग ने जहां शासन प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है, वहीं मांग किया है कि सड़क के किनारे बनाई जा रही ऊंची नालियों के चलते उनकी बस्तियां तालाब में तब्दील हो जाएंगी, जिससे कभी भी गंभीर घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुणवत्ता विहीन बनाई जा रही नालियों से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाएगी। जिला प्रशासन से मांग की है कि पानी निकासी की संपूर्ण व्यवस्था बनाई जाए। आइए सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कहा है। शासन द्वारा जो रोड बनाई जा रही है, इसके अगल बगल जो नालियां बनाई जा रही, नाली इतनी ऊंच है कि गाँव का पानी नहीं निकल पाएगा, तो नाली जो है सुधार किया जाए या कि नीचे और किया जाए रोड से काफी, ताकि गांव का पानी निकल सके और रोड के नीचे किया जाए, नहीं तो पूरा डूब क्षेत्र में आ जाएगा ये पानी। गांव में मिल्की में जो नाली बनाई जा रही है वो निश्चित तौर पे पूरा गांव डूब जाएगा। यदि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो नदी में गूलर मर जाएंगे और हम सब रोड में आ जाएंगे। तो ऐसे डीएम से अनुरोध है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नाली का निर्माण थोड़ा सा नीचे स्तर पर कराएं, ताकि ग्रामवासी सुरक्षित रह सके। यह जौन है जब नाली निर्माण रोड के हो रही है तो बहुत गड़बड़ है, ऐसे बरसात के पानी जौन है तो तमाम सबके घर में भर जी, एको पानी न निकली रोड या नाली नीच की जाए, कलेक्टर साहब खुद आके मुआयना करें। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, मैं रीवा जिले के ग्राम अमिलकी का रहने वाला हूं। हमारे गांव में रीवा से सहडोल तक जो सड़क बन रही है हमारे गांव से होकर गुजर रही है। हमारे गांव में नाली का भी निर्माण किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जो नाली का निर्माण है वो इस स्थिति पर है, ये देखेंगे कि मेरे पीछे आपको नाली दिख रही होगी, यहाँ देखेंगे कि नाली के लिए एक इंच भी जमीन की खुदाई नहीं हुई है और जमीन की खुदाई न होने से जो नाली का लेवल है वो ऊपर जा रहा है, जिससे हमारे गांव में किसी भी घर का पानी इस नाली के माध्यम से नहीं निकलेगा। स्थिति यह हो जाएगी कि अंत में हम सभी का घर गिर जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केवल और केवल प्रशासन की होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, समस्त स्थानीय नेता और माननीय डीएम साहब का आभार प्रकट करता हूं कि वह सड़क निर्माण के लिए प्रयासरत हुए और निर्माण कार्य चालू हो गया। लेकिन कोई भी निर्माण कार्य जनता के हित के लिए होता है, जिस निर्माण कार्य में जनता का हित ना हो ऐसे निर्माण कार्य का कोई औचित्य नहीं होता है। और इस निर्माण कार्य से हमारा अमिलकी गांव, पूरा अमिलकी गांव डूब क्षेत्र में आ जाएगा और इस डूब क्षेत्र में आने की वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा अमिलकी गांव भारत के नक्शे से हट जाएगा। मैं माननीय डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि जो संबंधित ठेकेदार हैं इनको निर्देशित करें कि नाली तो बनाई ही जा रही है, बस जमीन को थोड़ा सा खोद कर नाली बनाएं, जिससे हमारे घरों का भी पानी इस नाली के माध्यम से गांव के बाहर जा सके, नहीं तो हम सब का घर जमींदोज होने में समय नहीं लगेगा।